एटम्स के चैप्टर में क्या किया, सबसे पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग कहाँ से है, थॉमसन मॉडल से। थॉमसन मॉडल बताता है कि प्लस माइनस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मॉडल नहीं चला। उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग जो है एक्सपेरिमेंट आया, और इसको गीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसमें लिख लेना रेफर फ्रॉम हैंड रिटन शीट, ये टॉपिक रेफर लिख लेना, यहाँ से फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेफर हैंड रिटन शीट हमने कर लिया, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ये ग्राफ मार्क, इसको टिक मार्क कर लो ग्राफ को। ये ग्राफ किसका है, नंबर ऑफ अल्फा स्कैटर्ड पार्टिकल्स, नंबर कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गए विद रिस्पेक्ट टू स्कैटरिंग एंगल थीटा। स्कैटरिंग एंगल थीटा के साथ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक बात बताओ, स्कैटरिंग एंगल अगर 180 है तो ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल अल्फा के बहुत ही कम होने वाले हैं, और जो एंगल जो सीधा निकल गए वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो देखो, जब एंगल जीरो है या बहुत कम एंगल है उस पर तो बहुत पार्टिकल निकल, 10^7 पार्टिकल निकल गए, और अगर एंगल 60-45 वाले कम है और 90 से ग्रेटर देन और कम है, और 180 वाले तो बहुत ही कम है। तो ग्राफ समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते जाएंगे जिनका स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, 180। तो ग्राफ में सिर्फ टिक मार्क कर लेना और कुछ नहीं करना इसमें आपने। इसके अंदर ये मैंने बता दिया आपको ग्राफ क्या शो करता है, 180 वाले कम है और ग्रेटर देन 90 वाले भी कम है, और लेस देन 90 वाले तो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने कर लिया, लिख लो फ्रॉम हैंड रिटन शीट, इसको यहां से नहीं करना, रेफर हैंड रिटन शीट लिख लेना, नहीं तो फिर से करना पड़ जाएगा पेपर के टाइम में, बता दूं मैं आपको। अगर आपने नहीं मार्क की, मार्किंग की, तो दो बार पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो रेफर हैंड रिटन शीट लिख लो इस पे। ये सब हमने कर लिया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वी हैव डन, छोड़ दो ऐसे, ये सब हमने कर लिया। इंपैक्ट पैरामीटर लिखो, रेफर हैंड रिटन शीट, कर लिया इंपैक्ट पैरामीटर भी हमने, ये भी करने की जरूरत नहीं आपको। ये देख लेते हैं, इस ग्राफ को मार्क कर लेते हैं एक बार, देखो जरा कैसे। इस ग्राफ के अंदर जैसे सपोज करो ये टारगेट है, ये डिस्टेंस है, और ये क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ये टारगेट है ना, तो इस टारगेट को जो हिट कर रहा है उसका एंगल अगर 180 है तो इंपैक्ट पैरामीटर उसका जीरो है। देख रहे हो, इंपैक्ट पैरामीटर जीरो है, तो टारगेट क्या है यहाँ पर, 180 है। तो जिसका इंपैक्ट पैरामीटर थोड़ा सा ज्यादा होगा उसमें एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, और इंपैक्ट पैरामीटर होगा तो एंगल कम होता जाएगा, और इंपैक्ट पैरामीटर बहुत बड़ा होगा तो पार्टिकल बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। तो इस ग्राफ को भी आप मार्क कर सकते हो एक बार प्लीज, ठीक, इसे मार्क करो।